40 गांवों की महापंचायत में पुलिस प्रशासन को 6 दिन का अल्टीमेटम, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग। पिछले दिनों कटारा अजीज के एक युवक की पुलिस हिरासत में कथित मारपीट के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर शनिवार को 40 गांव के पंच पटेलों की महापंचायत में प्रशासन को 24 मार्च से पहले दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। महापंचायत के दौरान पंच पटेलों ने कहा कि घटना को लेकर वो पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक से मिले थे तथा उन्हें 7 दिन में कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई। पंच पटेलों ने कहा कि पुलिस बेवजह निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है, जिससे पुलिस का तानाशाही रवैया उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि दोषियों पर आगामी 7 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नवभारत समाचार, करौली, राजस्थान से अजीत सिंह चौहान की रिपोर्ट। इसमें पत्रकार महोदय, हमारे 10 तारीख को दीपक सनफ रकम 191 गिरफ्तार किया और उसके साथ में एक ऐसा कुकृत किया है प्रशासन ने, जो कि उसके नाखून वगैरह प्लास से खींचे हैं। तो इससे क्या है कि हमारे समाज में ही नहीं, सर समाज में रोष है और उसके फ्रैक्चर भी, दो पैरों में दो फ्रैक्चर हैं। इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया है प्रशासन के द्वारा, बालघाट पुलिस। अभी कुछ दिन पहले एसपी साहब से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मिलने गए। एसपी साहब ने एडिशनल एसपी साहब को जांच के लिए आदेश करे हैं, 7 दिन का समय दिया है। और आज जो मीटिंग हुई है इसमें हमने यही निर्णय लिया है कि भाई भवि जी, आप सरकार में हैं और आप को समाज आपके ऊपर विश्वास करता है, आप जाएं और 24 तारीख तक आप जहाँ भी एसपी साहब, आईजी साहब, डीजी साहब या जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गृह मंत्री का चार्ज भी उनके पास में है, तो उनसे भी आप मिले, हमारा डेलीगेशन ले जाएं। लेकिन हमें न्याय चाहिए क्योंकि समाज में रोष है और ऐसे अगर बालघाट पुलिस या राजस्थान की पुलिस करेगी तो ये शासन नहीं, ये कुशासन है। सब पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये आपने छापी, आपने पढ़ी है, उसके अपराध बताएं, उसके एक भी अपराध तो ये बताएं कि 151 की धारा में पकड़ने पर या उसका ये अपराध किया है उसने। और हम फौज में रहे हैं, आतंकवाद हम पकड़ते हैं तो हम उसको कमर के नीचे गोली देते हैं, किसी भी न्यायालय के द्वारा ऐसा वो कुछ नहीं है कि ऐसे मतलब मारपीट की जाए। रात के 12 बजे उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट उसको आदेश करता है, उसकी जो भी कार्रवाई होती है वो प्रशासन करता। लेकिन आज समाज में इसका रोष है कि दीपक के साथ आज किया है तो ये ऐसे हमारे नवयुवक हैं। और हमने तो आज महापंचायत में भी कहा है कि नवयुवक भी ऐसी कोई गलत काम नहीं करें, अपनी अच्छी शिक्षा पर ध्यान दें। तो मैं ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि हमें न्याय मिले और 24 तारीख तक का भाई भवि जी को जो समय दिया है ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिले और हमारे डेलीगेशन ले जाएं, पंच पटेलों को आश्वस्त करें। उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये पंच पटेल करेंगे। एसपी साहब ने पूरे मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी को जांच सौंप दी है, उसके जो समय है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ, उससे पहले आप महापंचायत बुला रहे हैं, कहीं नहीं लगता कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये हमारा जो आज का जो महापंचायत का ये है, ये तो एक हमारे जो पंच पटेल है, इनके पहले 2 गांव की पंचायत हुई, आज हमारे सभी जो आसपास के गांव हैं उनकी महापंचायत हुई है। लेकिन महापंचायत में इस चीज़ को अवगत कराया है कि इसके साथ में ऐसा कृत्य हुआ है, महापंचायत में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि हम